आपको क्या फील हो रहा है? मैंने जोर से मारा भी थोड़ा, ठीक है वो आपको देखिए। रमेश आपका क्या रिएक्शन था? मैंने तो सुना आप तो पूरा शांत बैठ गए थे। हाँ मैं डर गया था, वो गिर गया था तू। हाँ और क्या? मैं बहुत ज्यादा ही स्वागत है आप सभी का आदित्य के कराटे डोजो चैनल पे। और मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मम्बल स्क्रम्बल फंबल। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम बहुत ही मेहनत करते हैं। कल आदित्य भोसले नॉकआउट हो गए थे, अब हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर आदित्य नॉकआउट हुए थे। आइए आइए हमारे साथ, जैसे कि आप मेरे बाइसेप्स देख सकते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। यहाँ पर आदित्य जो है नॉकआउट हुए थे। कैसे बचे वो, कैसे वो जिंदा रह गए नॉकआउट होने के बाद? अपने मुंह पर नी खाने वाला मैंने पहला बंदा देखा है। अटैक नहीं किया गया था ये भाई साहब, ऐसे गए थे। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो आज है हमारे साथ प्रथमेश, जो कि उस जगह पर थे जहाँ ये हुआ था। तो प्रथमेश एक माइक देना चाहूंगा। कैसा लग रहा है आपको, वो पीछे इग्नोर कर दो, कैसा लग रहा है आपको? आप आदित्य के साथ जब थे, जब आदित्य को पहला नॉक लगा, कैमरा में ले बे, तो आपको कैसा लग रहा था? मुझे कुछ नहीं लग रहा था, मैं तो डर गया। स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो बोल। वो गिरने के बाद मैं डर गया था, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तुझे तो मेरी तो फट गई थी। अच्छा इंसान हूँ कि नहीं मैं? फीलिंग होती है यार इंसान को, इमोशनल आता है वो। ओवर एक्टिंग कर रहा है दोस्तों, आप प्लीज इग्नोर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लास्ट तक, वीडियो बहुत ही अच्छी है। ये घान कर रहा है, आई नो ये अभी अभी जेल से छुट के आया है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब भगाना चाहेंगे, गेट आउट यार। नेक्स्ट कौन? तो अब हमारे साथ है दीपेश शर्मा। अभी कैमरा ऊपर कर, बहुत लंबा आदमी ऊपर हो गया। हाँ थोड़ा नीचे। हाँ तो ये माइक है दीपेश। ओके थैंक यू। हाँ तो दीपेश आपको कैसा लग रहा था जब आदित्य नॉकआउट हो गए थे? आप कहाँ पर थे? बस उसका नॉकआउट यही हुआ था और मैं यहाँ पे बैठा था, यहीं पे बस देख ही रहते हम पट्टी और उसका, और पट्टी ने पता नहीं पट्टी रॉन्ग फुट है या क्या है। नानी ओमाए वा मो सिंदेइरु। क्या क्या इस बंदे का हम आधार कार्ड नंबर और असली नाम जान सकते हैं जिसका नाम अभी आपने लिया? पट्टी का? हाँ प्रशांत झा। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से सुन सकते हैं, आप ध्यान से सुन सकते हैं। इस बंदे का नाम है प्रशांत झा, जिन्होंने आदित्य भोसले को नॉकआउट किया था अपने लाइफ में, पहली बार नॉकआउट हुआ आदित्य। चलिए जाइए, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके आदित्य भोसले और ये माना की टीम में भी सेलेक्ट कर। आप क्या कर रहे थे दीपेश, जरा वापस बताना। जब आदित्य नॉकआउट हुए थे तो आप आदित्य के पास तक खड़े होकर क्या कर रहे थे, हर उस इंडियन आदमी की तरह जो किसी सिनेरियो पे करता है? मैं वीडियो ले रहा हूँ। देखा आदित्य के कंटेंट के लिए बंदे की जान जा रही, बंदा कर रहा है। What? Bro, what are you talking about, man? मेरा भी, मेरे पास भी अपनी एक वजह है इनकी। ये इंडिया में एंटी क्या बोलते हैं उसको, बीजेपी। मैं एंटी अंधभक्त हूँ। स्पीचलेस हो गया। मैं भक्त नहीं हूँ। मेरी भी अपनी एक वजह है कि मैं क्यों वीडियो ले रहा था जब मेरी भी अपनी एक वजह है कि मैं क्यों वीडियो ले रहा था जब आदित्य नॉकआउट हुए। तो होता है ना इंडिया में कोई बीमार हो जाता है तो 100 डॉक्टर बन जाते हैं, तो वहाँ पे उसको घेर के खड़े थे। ऐसे टाइम पे जो नॉकआउट होता है उसे ब्रीथ की जरूरत पड़ती है, तो उसे घेर के मैं सांस। रजत जी मैं आपके पास अभी लौट रहा हूँ थोड़ी देर में। मेरा हुआ नहीं, इसका मैं क्यों वीडियो ले रहा था। ठीक है तो मैं उनकी सांस नहीं रोकना चाहता था, यहाँ वैसे हवा बहुत लोग ने उनको ऑलरेडी घेर लिया था जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, पावर्ड बाय पतंजलि। तो मैं सोचा कि आदित्य को अगर कुछ हो तो हम पे इल्जाम ना आए, इसलिए मैं वीडियो ले रहा था कि मैं दूर था, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग थे आसपास। और जैसे उन नॉकआउट हुए मेरे मन में सिर्फ एक ही आदमी का चेहरा आया, वो था फिल फ्यूजेस। बस वही नाम है ना उसका? मैं रजत जी को सुन रहा था, मैंने फिलिप यूग्स नहीं सुना। सब बहाने होते हैं, ठीक है, प्यार एक धोखा है।
और अभी जब आदित्य को आदित्य जब नॉकआउट हुए थे तो मेरे मन में वही आया था कि ये वो वीडियो देख रहे हैं जिनके लिए मैं ये बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबका सिनेरियो एकदम रामपाल यादव जैसा हो गया था। राजपाल यादव मुझे सब कुछ आता है, वो राजपाल यादव है, रामपाल यादव ये भी डालना। मैं बहुत ही खराब हूँ लिरिक्स में। पुलिस आएगी, पुलिस को क्या कहेंगे, पुलिस हमारा क्या बोलते है उसको, जांच पड़ताल करेगी। हाँ तो अब हम ले चलते हैं आपको एक शांत व्यक्ति के पास जो कैमरा में आने से शर्मा रहे, तो हम बुलाना चाहेंगे अभी हमारे टीवी पर स्वप्निल बिस्वास। सर सर बहुत शर्माते हैं सर, लीजिए सर। अरे इधर आ, लाइट इधर है बे। तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये क्यों शर्मा रहे हैं मैं आपको ये कौन सा है ना, मैं ऑटोग्राफ दूंगा सर। सर पकड़ना मेरे। अरे देखिए तो ये क्यों शर्मा रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कहाँ खड़ा था वो बता। चल मैं वहाँ बैठा हुआ था। कोने में बैठा था, ये बंदा नॉकआउट हुआ पड़ा है, ये कोने में बैठा था। आगे क्या हुआ बता, इधर देख के बता। अरे गांव वाले जैसा कर रहे। लंबू और छोटू के साथ ले चलते हैं आपको उस खास शख्स के पास जिन्होंने आदित्य पोस्टर को नॉकआउट किया, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो बुलाते हैं, क्या क्या बोलू रे, प्रशांत झा उर्फ पट्टी। प्रशांत झा उर्फ पट्टी को पट्टी 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 इधर आया। सवाल पे सवाल खेलते क्यों किया आपने आदित्य को नॉकआउट, क्या आप इतना मार खाते थे प्रैक्टिस में? तू तेरी टाइम काफी शाही किस्म के आदमी हो, तो हंस क्यों रहा, चूती है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि जब आदित्य नॉकआउट हम सब उनका ख्याल रख रहे थे वहाँ, तो आप और स्वप्निल निकल क्यों लिए? बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मैं मुद्दों पे बात करता हूँ, आपकी तरह नहीं। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. चलता है, you should be, you know, funny. मैंने देखा आदित्य ठीक हो गया था तो देखा तो आप खड़े क्यों नहीं रहे, आप खड़े क्यों नहीं थे जब आपने देखा आदित्य गिर चुके हैं? आपके मन क्या, भाई का कॉल इतना इंपॉर्टेंट है? एक दोस्त जान से जूझ रहा है, क्या भाई का कॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक दोस्त के लिए खड़े नहीं हो सकते? आपके मन में पहला फीलिंग क्या आया जब उनके आप पे वो घुटना लग गया आपका, राइट फुट? पहला आपको क्या फील हुआ? ये गया अबे लेफ्ट लगा था, राइट था, लेफ्ट था, लेफ्ट था। मैं मुद्दों पे बात करता हूँ, मुझे मुद्दा ही नहीं पता था। वीडियो तो देखो खुद का, कौन सा वीडियो? ये लगता है स्क्रिप्ट तैयार करके आए एकदम रटे हुए स्क्रिप्ट बोल। वीडियो तो वीडियो कट कर देना। अब मैं और कार्तिक सिर्फ बात करेंगे। बहुत देख लिया यार हमें आपको, आई लव यू टू सायोनारा। तू उधर से अगर आपको जानना है कि नॉकआउट कैसे होता है, ये पट्टी अपना चैनल खुद चालू करेंगे और उसमें बताएंगे। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में लिख देना प्लीज, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, वी मिस यू सो मच। हम यू गए और यू आए, कहां है देखे, कोई वारदात होने ना पाए। अरे मेरा वीडियो नहीं आया। बोलो।